एक्स्ट्रा टाइम। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपनी आर्थिक समस्याओं को परे हटाकर और अपने पिताजी की इच्छाओं के अगेंस्ट जाकर इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ। बात कर रहे हैं लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद की। बहुत ही छोटी उम्र से इंडिया टीम खेलने का सपना था उसका, और अपने पिताजी के इंस्ट्रक्शंस के ऑपोजिट जाकर इसने क्रिकेट को चुना। 22 साल के खलील अहमद को फाइनली एक रिवॉर्ड मिला जब इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन हुआ 2018 के एशिया कप के लिए, जो कि यूएई में हुआ था। एशिया कप में टीम जीती और उसके बाद वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई उसमें भी खलील अहमद टीम का हिस्सा थे, जिसमें भी टीम विक्टोरियस इमर्ज हुई थी। पर उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खलील अहमद की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही और इसलिए 2019 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका नाम शामिल नहीं था। इसके बाद नवदीप सैनी और दीपक चहर के अच्छे परफॉर्मेंसेस से स्पॉटलाइट खलील अहमद से हटकर इन पर चली गई। खलील अहमद टोंक राजस्थान के एक निचले मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पापा खुर्शीद, जो कि हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो चाहते थे कि खलील बड़ा होकर डॉक्टर बने, बट खलील छोटे से ही सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता था। जब भी लाइव मैचेस टेलीकास्ट होते थे टीवी पर, वो पूरा दिन सिर्फ मैच ही देखा करता था। 12 साल की उम्र में खलील अहमद पहली बार क्रिकेट एकेडमी गया अपने पिताजी को बिना बताए। उस एकेडमी के कोच इम्तियाज खान ने खलील अहमद के टैलेंट को देखा और फिर उनके अब्बा को कन्विंस किया कि खलील को वो राजस्थान क्रिकेट एकेडमी ले जाए। आरसीए में खलील अहमद को कोच मिले तारक सिन्हा। उन्होंने उनके बोलिंग को और शार्प किया। अंडर 14 राज सिंह डूंगारपुर ट्रॉफी में खलील अहमद ने 4 मैचेस में 26 विकेट लिए और उसके बाद मोहाली में हो रहे एक बीसीसीआई के स्पेशल कैंप में खलील अहमद का सिलेक्शन हुआ। इसके बाद इंडिया अंडर 19 स्क्वाड में खलील अहमद को शामिल किया गया 2016 वर्ल्ड कप के लिए। और फिर राजस्थान रणजी ट्रॉफी टीम में उनको मौका मिला और 6 अक्टूबर 2018 उन्होंने जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला। बीस साल के खलील अहमद ने सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे और फिर टीम इंडिया से उनको बुलावा आ गया एशिया कप के लिए। पहले मैच में हांगकांग के अगेंस्ट उन्होंने 3 विकेट भी लिए। दो महीने बाद उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4 नवंबर 2018 एट द ईडन गार्डन्स। लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंसेस उस स्तर की नहीं रही और इसीलिए खलील अभी थोड़े से पीछे हैं अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से। हालांकि टैलेंट काफी है खलील अहमद में और जहीर खान को अपना आइडल मानते हैं। जहीर खान ने उनको टिप्स भी दिए और कहा कि अपने टिप्पे पे थोड़ा काम करो और थोड़ा और आगे गेम फेंको। 11 वनडे इंटरनेशनल्स में खलील अहमद ने अब तक 15 विकेट लिए हैं और 14 T20s में अब तक 13 विकेट लिए हैं। खलील अहमद का एक बड़ा सिग्निफिकेंट तरीका है जिसके क्लिपिंग्स आप यूट्यूब पे देख पाओगे। फर्स्ट क्लास मैचेस में जब भी खलील अहमद विकेट लेते हैं, विकेट लेने के बाद वो विक्ट्री शाउट तो करते ही हैं, लेकिन साथ में अपना नाम खलील अहमद जोर से चिल्लाते हैं। रणजी ट्रॉफी मैच के क्लिपिंग्स जिसमें उन्होंने विकेट लिए या फिर चैलेंजर ट्रॉफी के क्लिपिंग्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। इस बात पे जरूर ध्यान देना, बहुत ही डिफरेंट तरीका है खलील अहमद का सेलिब्रेट करने का भी एंड ऑफकोर्स क्रिकेट के नजरिए का भी। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.